बड़ौदा विधानसभा के उपचुनाव से पहले कांग्रेस में गुटबाजी कैसे जीत पाएगी। उपचुनाव पार्टी सूत्रों के अनुसार पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा व मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा में दूरी, कहीं इस उपचुनाव में भारी न पड़ जाए। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस में 2015 का नजारा फिर से देखने को मिल रहा है। 2015 में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने भी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से दूरी बनाते हुए अलग से अपने तौर पर सियासी अभियान शुरू किया था। बिल्कुल उसी तरह से 2020 में वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा भी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सहयोग के बगैर ही सियासी मोर्चों पर सक्रिय हो गई है। कुमारी शैलजा और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच तालमेल की गाड़ी पटरी से पूरी तरह उतर चुकी है। अशोक तंवर की जगह कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा था कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बेहतर तालमेल कायम रखते हुए कांग्रेस को हरियाणा में मजबूती देने का काम करेंगे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने चौंकाने वाला परिणाम हासिल करते हुए 31 सीटों पर जीत हासिल की और इस परिणाम के बाद पूरी कांग्रेस में जोश का संचार हो गया और 2024 के चुनाव में सत्ता हासिल करने के आसार सभी को नजर आने लगे। शैलजा और हुड्डा के बीच तालमेल भी बेहतर नजर आने लगा, लेकिन राज्यसभा चुनाव ने कांग्रेस के सेट हो रहे रिश्तों को फिर से खुंदकबाजी में बदल दिया। कुमारी शैलजा राज्यसभा की एक और पारी हासिल करना चाहती थी, लेकिन पार्टी हाईकमान ने उसकी बजाय भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा को राज्यसभा का टिकट दे दिया। कुमारी शैलजा इससे बेहद खफा हो गई और उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा से सियासी संपर्क तोड़ दिया। दोनों ही नेताओं के संबंधों में उसी तरह की खटास पैदा हो गई जिस तरह की खटास अशोक तंवर और भूपेंद्र हुड्डा के बीच में पैदा हुई थी। कुमारी शैलजा ने धान की बुआई पर लगे प्रतिबंध को लेकर प्रदेश के आधा दर्जन जिलों का दौरा किया। इन दौरों में उसके साथ पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला रहे, जबकि भूपेंद्र हुड्डा खेमे के एक भी नेता को उसके साथ नहीं देखा गया। खुद कुमारी शैलजा ने भी एक भी जगह पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का नाम नहीं लिया। दोनों ही नेताओं के बीच की खींचातानी यह बता रही है कि उनके रिश्ते खराब हो चुके हैं। भूपेंद्र हुड्डा के साथ रिश्ते में तनातनी आने के बाद कुमारी शैलजा भी उनकी मोहताज रहने की वजह रणदीप सुरजेवाला के साथ जुगलबंदी बनाकर फील्ड में एक्टिव हो गई हैं। पार्टी के तीन अन्य बड़े नेता कुलदीप बिश्नोई, किरण चौधरी और कैप्टन अजय यादव तट पर बने हुए हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं। हुड्डा से तालमेल बनाए बगैर प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ना कुमारी शैलजा के लिए आसान नहीं होगा। भूपेंद्र हुड्डा को कुमारी शैलजा से तालमेल बनाए बगैर प्रदेश सरकार में अपना वर्चस्व कायम करने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस के अधिकांश नेता और विधायक उनके साथ खड़े हैं। कांग्रेस में चल रहे बिखराव का फायदा बीजेपी और जेजेपी सरकार को हो रहा है। अब देखना यह है कि 2020 का यह नजारा कांग्रेस को किस मुकाम पर ले जाता है। नेताओं और विधायकों का समर्थन हासिल करने के कारण भूपेंद्र हुड्डा के लिए खुद को पावर सेंटर के रूप में कायम रखना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन कुमारी शैलजा के लिए खुद को सफल अध्यक्ष के रूप में स्थापित करना भूपेंद्र हुड्डा के लिए सहयोग के बिना बड़ी चुनौती रहेगी। अब देखना यह है कि बिगड़े रिश्तों की यह दूरी कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सीटी तहलका।